वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने किचन टूर का वीडियो डाला था, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच। काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, वो किचन अपना बनाने का प्लान भी कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से मेरा उनको पसंद आया उस हिसाब से वो सोच रहे बनाने का। तो फ्रेंड्स, मुझे यही इम्पोर्टेंट लगा कि इस टाइम मैं ये वीडियो बनाती हूँ, ताकि किचन बनाने के टाइम कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है फ्रेंड्स जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो वो पॉइंट सबको कंसिडर करके वो किचन बनाना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने जाऊंगी 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके किचन बनाने के टाइम बहुत बहुत काम आएंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने अगर किचन टूर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर से आप चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है मेरा फ्रिज एरिया के ऊपर। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा फ्रिज एरिया, और अगर आप देख सकते होगे तो वो है फ्रिज के ऊपर कैबिनेट, और फ्रिज और कैबिनेट में जो गैप है ना फ्रेंड्स, सिर्फ 2-3 इंच का गैप है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम किचन बना रहे थे तो हमारे माइंड में था कि हमें फ्रिज न्यू लेना है, तो उस हिसाब से हम एक हाइट एस्टिमेट करके इतना गैप छोड़ के ऊपर कैबिनेट बना लिए थे हम। फिर जब हम फ्रिज लेने गए तो हमें ये लिबेर का फ्रिज पसंद आया, और इसकी हाइट और वो जो कैबिनेट है उसमें गैप सिर्फ 2-3 इंच का था। तो फॉर्चुनेटली ये एरिया में हमारा ये फ्रिज आ गया। आप लोग जब किचन बनाओगे तो आप लोग भी अगर न्यू फ्रिज लोगे या फिर फ्यूचर में भी न्यू फ्रिज आप ले मतलब लेने का सोचोगे, तो हमेशा फ्यूचर को कंसिडर करके ही फ्रेंड्स, जो फ्रिज एरिया है उसमें आप हाई विथ डीप, ये तीनों तरफ से प्रोविजन अच्छे से रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी हिसाब से ऊपर अगर आपको कैबिनेट भी बनाना हो तो वैसे प्रोविजन को कंसिडर करके ही वो कैबिनेट बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसीलिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फ्रेंड्स, मेरा सेकेंड पॉइंट है किचन में इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। तो आप इलेक्ट्रिक पॉइंट्स का प्रोविजन जरूर से रखिएगा। आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट्स अगर लिमिटेड रहेंगे तो आपको भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप एक ही जगह ही यूज कर सकोगे आपके अप्लायंसेस, और अगर ज्यादा रहेगा तो आप कहीं भी अप्लायंसेस को इजीली यूज कर सकते हो, और जब भी घर में गेट टुगेदर हो या ज्यादा मतलब कुछ भी फंक्शन हो तो आप कहीं भी इलेक्ट्रिक पॉइंट ज्यादा रहता है तो अच्छे से अप्लायंसेस को यूज कर सकोगे। इलेक्ट्रिक पॉइंट के साथ ही मैं और एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करना चाहती हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। एक्चुअली जब आप स्विच बोर्ड लगाओगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने 6 स्विच का बोर्ड लगाया है जिसमें है 2 सॉकेट्स। तो आप जब भी सॉकेट लगाओगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आपका सॉकेट ऐसा ही रहना चाहिए जिसमें इजीली प्लग अंदर चले जाए। चाहे आप 2 सॉकेट्स लगाओ चाहे 1 सॉकेट लगाओ, लेकिन जिसमें प्लग इजीली चले जाए वैसे ही सॉकेट लगाइएगा। जैसे हमने यहाँ देखिए 2 सॉकेट्स लगाया है, इसमें प्लग जाता ही नहीं है फ्रेंड। जैसे हम पेंसिल यूज करके या कुछ यूज करके ही इसको ओपन करते हैं और मतलब उसके बाद ही प्लग डाल सकते हैं, तो मेरा इसमें मतलब प्लग डालना या अप्लायंसेस यूज करना एकदम लिमिटेड ही हो गया। मैं इसी सॉकेट में ही डाल के प्लग डाल के अपना अप्लायंसेस यूज करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए ये जो सॉकेट है ना, ये देखिए 20 एम्पेयर का है, तो आप इसको फ्रिज के एरिया में यूज कर सकते हो जहां हम लोग को एक ही बार प्लग डालना होता है, उसके बाद खोलना नहीं है, हमें प्लग वहां पर खोलने का नहीं रहता है, तो आप इसको वहां उस एरिया में यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप रेगुलर जहां हम अप्लायंसेस यूज करते हैं, जहां हमें रेगुलर काम के लिए प्लग डालना होता है, वहां आप यही सॉकेट यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा थर्ड पॉइंट है किचन में अगर आप प्रोफाइल लाइट लगाने का सोच रहे हो, तो यहां पर मैं कहना चाहती हूँ जब हम किचन बना रहे थे तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको मैंने पहले ही कह दिया था किचन बनाने के पहले ही, कैबिनेट बनाने के पहले ही, कि मुझे सरफेस लाइट चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, सरफेस लाइट एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर लगता है सरफेस लाइट राउंड राउंड करके, आपको जितना भी लगाना है 2 या 3 उस हिसाब से वो लोग सरफेस लाइट का प्रोविजन करके इधर सरफेस लाइट लगता है। तो मैं सरफेस लाइट इधर भी लगाने का सोच रही थी, और यहाँ पर मेरा अंदर जो यहाँ पर क्रॉकरी का बनाया है मैंने, यहाँ पर भी ऊपर यहाँ पर सरफेस लाइट लगाने का सोची थी। पता नहीं मेरे कॉन्ट्रैक्टर के दिमाग से एकदम निकल गया ये सरफेस लगाने का, लाइट लगाने का इधर, और उसने कोई प्रोविजन भी नहीं रखा,
मेरे सारे कैबिनेट बन चुके थे, सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट भी मतलब ऑलरेडी वो सबका प्रोविजन कर दिया था, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो उसके बाद यही एक ऑप्शन था यहाँ पर, फिर उसने ऐसे प्रोफाइल लाइट सेट किया और यहाँ पर ये देखिए अंदर भी ऐसी प्रोफाइल लाइट लगा दिया, चारों तरफ जहां जहां मेरे को जरूरत था वहां पर ऐसे प्रोफाइल लाइट सेट किया। तो फ्रेंड्स आप जरूर से, अगर आपको भी सरफेस लाइट लगाने का है मन में, क्योंकि सरफेस लाइट का लुक भी बहुत अच्छा लगता है, और सबसे बड़ा बात अगर आप सरफेस लाइट लगाओगे फ्रेंड्स तो आपका डायरेक्टली यहाँ पर जो लाइट्स है वो नीचे डायरेक्टली अच्छे से आता है। तो फ्रेंड्स आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड प्रोफाइल लाइट ऑल्सो, बट सरफेस लाइट अगर होता तो हो सकता है मैं ज्यादा खुश होती, ज्यादा सेटिस्फाइड होती। तो फ्रेंड्स आप भी अगर लगाने का सोच रहे हो सरफेस लाइट, तो जरूर से आपके कॉन्ट्रैक्टर जो भी है, इंटीरियर डिजाइनर जो भी है, उसको जरूर से बोल दीजिएगा किचन में जब कैबिनेट बनाएंगे उसके पहले ही, जब इलेक्ट्रिक पॉइंट डालेंगे उसके पहले ही उसका प्रोविजन जरूर से रखते। फ्रेंड्स मेरा फोर्थ पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखिए फ्रेंड्स, जितने कैबिनेट्स हमने किचन में लगाए हैं चारों तरफ अगर आप देखोगे तो ये जी प्रोफाइल लगाए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए चारों तरफ ये जी प्रोफाइल लगाए हैं। तो जब हम एक्चुअली अपने घर में शिफ्ट हुए और मैं किचन में काम करना स्टार्ट की, तो उसके बाद ये जो जी प्रोफाइल का देखिए फ्रेंड्स राइट का जो ये कॉर्नर है ना, एकदम कॉर्नर, ये इतना शार्प है ना कि इससे मैं, मेरे हस्बैंड, इवन मेरे बच्चे, इवन मेरी मेड भी हर्ट हुई है, मतलब सबका कट तो हुआ ही है फिंगर में। सो फ्रेंड्स दैट वाज वेरी डेंजरस। तो जब हम इसके लिए गए हार्डवेयर शॉप में कि इसका क्या प्रोविजन हो सकता है जी प्रोफाइल में लगाने के लिए, कैप दिखाएं, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसा कैप मिलता है। तो फ्रेंड्स हम हार्डवेयर शॉप से कैप भी लेके आए, बट ये देखिए फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली मेरा जो ये गेट है कैबिनेट का, इसमें देखिए जी प्रोफाइल जो यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ पर ये देखिए इतना एक्सटेंड किया हुआ है, ये अगर यहाँ पर थोड़ा कम होता तो मेरा यहाँ पर ये कैप लगता और ये इजीली इधर भी बंद होता और इसमें भी हम यहाँ पर अलग से कैप लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर इतना आगे ये बढ़ा दिया है मेरा जी प्रोफाइल का जो लगा हुआ है, तो ये कैप लग तो जाएगा लेकिन उसके बाद ये बंद ही नहीं हो सकेगा। तो अनफॉर्चुनेटली जितने कैबिनेट है सब जगह यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है मेरा ये जी प्रोफाइल, तो कहीं भी मैं अगर कैप लगाऊंगी भी तो बंद नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स ये कैप मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वो जो फाइल आता है जिससे शार्पनेस कम हो सकता है, तो वो फाइल से ही थोड़ा शार्पनेस कम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं यही बोलूंगी कि आप लोग जब किचन बनाओगे, तो आजकल सब लोग किचन में जी प्रोफाइल ही लगा रहे कैबिनेट में, तो इस पॉइंट्स को जरूर से ध्यान रखिएगा, ऐसे लगाइएगा जी प्रोफाइल कि ताकि वहां पर ये कैप लगाने का प्रोविजन हो अच्छे से और फ्यूचर में आपके आपके फैमिली में कोई भी हर्ट नहीं हो। फ्रेंड्स मेरा फिफ्थ पॉइंट है कि जब भी आप सिंक के ऊपर टैप लगाओगे तो ये इनलेट जो फ्रेंड्स लगाया हुआ है, तो हमारा ये इनलेट लगाया हुआ है फ्रेंड्स 6 इंच के हाइट में, तो उसके बाद जब हमने यहाँ टैप सेट किया और जब किचन में काम करना एक्चुअली हम स्टार्ट किए यूटेंसिल धोना, तब हमें रियलाइज हुआ कि ये इनलेट देखिए 6 इंच के हाइट में लगा हुआ है, ये एक्चुअली लगाना चाहिए था थोड़ा और ऊपर, आई थिंक एटलीस्ट 9 to 10 इंच के हाइट में। और उससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली अभी हम जब यूटेंसिल धोते हैं ना, तो जो शावर आता है तो यूटेंसिल और ये टैप में ज्यादा गैप ही नहीं रहता, तो थोड़ा धोने में हमें दिक्कत होता है। तो यहाँ पर आप अगर इनलेट थोड़ा ऊंचा कर देंगे तो उस हिसाब से टैप भी आपका थोड़ा हाइटेड हो जाएगा, तो आपको यूटेंसिल धोने में इजी रहेगा। और अगर फ्रेंड्स इन केस आप इनलेट अगर इसी हाइट में लगाएं, तो आप टैप भी, आप अगर जाओगे हार्डवेयर शॉप में तो आपको टैप भी थोड़ा सा हाइटेड मिल जाएगा। जैसे अभी हमारा ये टैप जो है ये टोटल यहां से लेके सिंक से लेके टैप का जो हाइट है वो है 11 इंच, तो एटलीस्ट अगर आप हाइटेड थोड़ा सा अगर टैप ले लो तो वो 15 इंच के हाइट तक एटलीस्ट आ जाएगा, तो भी आपको यूटेंसिल धोने में इजी रहेगा। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम तो एक्चुअली इनलेट भी हमारा लग चुका था और टैप भी लग चुका था, तो अब फ्यूचर में कभी नेक्स्ट हम अगर लगाने का सोचेंगे तो हम हाइटेड टैप ही लगाएंगे। फ्रेंड्स मेरा 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉब रिलेटेड। तो आप अगर इनबिल्ट हॉब लगाने का सोच रहे हो किचन में, यानी आप कंसील अगर करने का सोच रहे हो, तो आप पहले जाके शॉप में आपका हॉब जो भी आप
सोच रहे हो परचेस करने का, जो भी आपके माइंड में है वो हॉब पसंद कर लीजिएगा। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आप जब हॉब परचेस करोगे तो उसी में आपका कट करने का डायमेंशन रहेगा, आपके प्लेटफॉर्म में हॉब कट करके हॉब को जब कंसील करोगे उसका डायमेंशन रहता है। उस हिसाब से आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो कि प्लेटफॉर्म में आपको हॉब के लिए कितना कट करना है। तो आप पहले जरूर से हॉब पसंद कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपके प्लेटफॉर्म में कॉन्ट्रैक्टर को कट करने के बोलेगा। बहुत बार ऐसे क्या होता है कि पहले ही कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक मतलब डायमेंशन सोच लेते हैं, उस हिसाब से कट कर लेते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। एंड सेकेंडली, आप हॉप जब सेट करोगे ना फ्रेंड्स आपके प्लेटफॉर्म में, तो आप जरूर से या हॉप से मतलब प्लेटफॉर्म के सामने की तरफ इतना गैप जरूर से रखिएगा, और पीछे भी 1-2 इंच का गैप रखिएगा, सामने एटलीस्ट आप 5 इंच का गैप रखिएगा, ताकि आप जब भी खाना बनाओगे तो आपका हॉप का जो मतलब हीट जो है वो डायरेक्टली आपके बॉडी में नहीं आए। तो इसीलिए मैंने इतना गैप रखा है फ्रेंड्स, एंड दिस इज रियली टर्न्ड आउट टू बी यूजफुल फॉर मी। फ्रेंड्स मेरे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका गैस पाइपलाइन का है तो आप जिस भी कैबिनेट में आपका मीटर बॉक्स सेट कर रहे हो, और अगर उस कैबिनेट को आप ऐसे बंद कर रहे हो, तो आप जरूर से उस कैबिनेट के नीचे ऐसे होल करवा लीजिएगा। इससे अगर फ्यूचर में इन केस कभी भी आपका गैस लीक होता है तो आपको इस होल के थ्रू स्मेल आ जाएगा, तो वो अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसा होल नहीं कराओगे तो दैट मे बी रिस्की। तो ये गैस कंपनी वाले भी आपका रेकमेंड करेंगे कि जरूर से आप ऐसे कैबिनेट के नीचे होल करवा लीजिएगा। 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रॉस्टिंग ग्लास रिलेटेड। आप अगर किचन में आपके क्रॉकरी यूनिट या कोई भी कैबिनेट में ग्लास लगाने का सोच रहे हो तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे मेरा लास्ट टाइम तो ट्रांसपेरेंट ग्लास था, लेकिन इस बार मेरे को फ्रॉस्टिंग ग्लास लगाने का मन था तो मैंने वही लगाया। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सक रहे होगे, यहाँ पर ये दाग दिख रहे हैं ना आपको, ये किसी रीजन से फिटिंग करने के टाइम में आई डोंट नो किसी रीजन से ये ग्लास के अंदर डस्ट से देखिए ये दाग मतलब लग गया है, और हम बाद में बहुत तरीके से इसको मिटाने की कोशिश किए लेकिन ये नहीं मिट रहा है। तो हमें ग्लास शॉप वाले जो होते हैं ना, वही मतलब उन्होंने ही हमें कहा कि फ्रॉस्टिंग ग्लास में अगर डस्ट की वजह से ऐसे दाग आ जाता है ना तो वो नहीं मिटता है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी ये ऐसे ही रहेगा, तो आगे हम सोचेंगे अभी क्या करना है। तो आप भी इसको ध्यान रखिएगा अगर फ्रॉस्टिंग ग्लास लगाने का सोच रहे हैं तो। फ्रेंड्स यहाँ मैं इसी के साथ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ। यहाँ देखिए, अगर आप लिफ्टअप आपका कैबिनेट बनाते हो, जैसे हमने यहाँ 2 डोर एक साथ कनेक्ट करके यहाँ लिफ्टअप कैबिनेट बनाया है, उसमें यहाँ जो आप ये फिटिंग देख रहे हो, इसका फ्रेंड्स डायरेक्टली फिट करने का पेपर मैनुअल आता है, और अगर उसमें भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो इसका हेल्पलाइन नंबर है जहाँ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है इसको फिट करने का। क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है तो इसका हेल्पलाइन नंबर भी रहता है। हमारा कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से इसको फिट कर दिया था, लेकिन वो बराबर फिट भी नहीं हुआ था, तो हमें फिर से इसके हेल्पलाइन में फ़ोन करके सर्विस मैन को बुलाना पड़ा, और उसके बाद ही ये अच्छे से फिट हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर ऐसा कैबिनेट बनाते हो तो इस पॉइंट को जरूर जरूर से ध्यान रखिएगा। 9 नंबर जो पॉइंट है मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है किचन में कैबिनेट के लैमिनेट रिलेटेड। तो आप जब शॉप में आपका किचन के कैबिनेट के लैमिनेट पसंद करने जाओगे तो प्रेफर कीजिएगा ग्लॉसी पसंद करने का, क्योंकि मैट से क्या होता है फ्रेंड, जब हम लोग का मैट लगाते हैं ना हम लैमिनेट, तो हमारे किचन में जब खाना बनाते हैं कुछ भी करते हैं स्मोक होता है या फिर हाथ भी लगता ही है हमारे कैबिनेट में, तो उससे डस्ट पकड़ जाता है, गंदा होता है, तो मैट होने से ना वो स्टिक हो जाता है डस्ट एंड जो भी है, और वो जल्दी से निकलता नहीं है। और ग्लॉसी से यहाँ पर क्या होता है, वो डस्ट या जो भी गंदा होता है वो इजीली निकल जाता है। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर ही जो है वो रिकमेंड किए थे, और हम सेटिस्फाइड भी है इससे। फ्रेंड्स मेरा 10 नंबर एंड द लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आप जब प्लेटफॉर्म बनाओ तो प्लेटफॉर्म के कॉर्नर में ऐसा एक बॉर्डर जरूर से बना लीजिएगा। आजकल मोस्टली मैं देख रही हूँ किचन में प्लेटफॉर्म में सब ऐसा बॉर्डर नहीं बना रहे, प्लेन ही रख रहे हैं। तो मेरे भी मन में वैसा ही था कि मैं भी थोड़ा प्लेन ही रखूं, बट फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि फ्यूचर में कुछ भी काम करते हैं हम, दूध का काम, पानी का काम या कुछ भी काम, अगर वो नीचे गिर जाए तो काम हमारा बढ़ेगा ही। तो ऐसा बॉर्डर रहने से क्या इजीली सब कुछ, अगर कुछ भी गिरता है कुछ भी करता है तो वो ऊपर ही रहेगा प्लेटफॉर्म में, तो साफ सफाई में भी इजी रहता है। तो फ्रेंड्स
ये 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग अगर कोई भी किचन बनाने का सोच रहे हो तो इस पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर करोगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा। तो अभी तो ये 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे ध्यान में आए। आगे अगर मेरे को लगता है कि और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैं जरूर से उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, जरूर से मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, आपके व्यूज शेयर कीजिएगा। आप लोग को अगर और भी कुछ भी क्वेरीज हो तो जरूर से बोलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सब्सक्राइब बटन में जरूर से क्लिक कर दीजिएगा जो मेरे चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स अभी मैं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ।